साइबर थाना, जैसा मैंने आपको बताया, साइबर थाना गठित होने के उपरांत लगातार हमारी उपलब्धियां बढ़ रही हैं। उसमें दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां साइबर थाना की आई हैं जिसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। गोपालगंज में 24 घंटे के अंदर साइबर अपराधियों द्वारा ठगी गई राशि को पीड़ित के खाते में वापस कराने की कार्रवाई साइबर थाना के द्वारा की गई। इसमें घटना यह है कि 15 जून को साइबर थाना गोपालगंज में एक पीड़ित व्यक्ति पहुंचे, रमोग पटेल उर्फ तेज नारायण। उन्होंने आवेदन दिया और बताया कि UPI के माध्यम से उनके खाते से 20,000 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई। साइबर थाना के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई, उसको लोकेट किया गया और 24 घंटे के अंदर में उस पूरी पैसे को उनके खाते में रिवर्स कराया गया। तो ये रेल पटना साइबर थाना की उपलब्धि है। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार है कि 15 जून को शिव कुमार राम नामक एक व्यक्ति, जो भगवान पर जिला बेगूसराय के द्वारा उन्होंने आवेदन दिया और उन्होंने बताया कि पटना से बरौनी जाने के लिए जब ये टिकट काउंटर पर गए तो एक युवक के द्वारा झांसे में लेकर उनके मोबाइल का पासवर्ड तथा पिन पता कर 500 रुपये उनके बैग और मोबाइल लेकर भाग। पुलिस ने तत्काल इसका कांड का अनुसंधान शुरू किया और हालांकि घटना में लूटी गई राशि अत्यंत कम थी, फिर भी इसको गंभीरता से लेते हुए कांड में लिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 घंटों के अंदर उस पूरे गिरोह का उद्भेदन कर 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। और ये सभी व्यक्ति सीतामढ़ी के थे, जो अलग अलग शहरों में जा कर के साइबर अपराध की घटनाएं करते हैं। इस घटना में जो उद्भेदन हुआ उसमें चोरी गए मोबाइल के साथ 5 अन्य मोबाइल बरामद किए पुलिस ने और वादी का चोरी गया बैग भी रिकवर कर लिया। तो इस प्रकार से इस घटना में न केवल वादी के चेहरे पर मुस्कान आई बल्कि 5 और लोगों के मोबाइल फ़ोन जो रिकवरी किए उनको ट्रैक कर उनको हम वापस करेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे।